हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक, स्वागत है आप सभी का दीप टेक यूट्यूब चैनल में। गाइज, आपको इस चैनल पर टेक, इंटरनेट, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, ऐप रिव्यू, मोबाइल टिप्स आदि से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। अगर आपने अभी तक दीप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो गाइज़, आज मैं थोड़ा सा निराश हूँ। आपको APN की वीडियो चाहिए थी दिन में, बट मैं नहीं दे पाया और उसकी वजह मैं कुछ और आपको वीडियो दे दी। तो मुझे पता है आप उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हो जितना APN की वीडियो में रखते हो। तो गाइज़, एक मैं वीडियो बनाने वाला था, बट मैं इस टाइम पर वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे चैनल पर 12 बजे से एक स्ट्राइक आ गई कॉपीराइट की, जो कि किसी और यूट्यूबर ने सेंड की थी। तो गाइज, उससे मैं थोड़ा सा मतलब निराश था। तो फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ले और मेरी जो उनकी जो कॉपीराइट स्ट्राइक है उसको वापस ले ले, बट उनकी तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। गाइज, हो सकता है मैं आपके बीच कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मेरे चैनल पर उसी चैनल ने 2 स्ट्राइक दे रखी है और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि भाई अपनी जो कॉपीराइट स्ट्राइक है उसको रिमूव कर ले। मैं अगेन कभी भी तुम ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो जिसकी वजह से तुम्हारे चैनल पर कोई भी इफ़ेक्ट हो। तो गाइज़, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ SK ऑफिशियल टैग एक यूट्यूब है, वो यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पर। तो गाइज़, यहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हो कि प्लीज़ रिमूव स्ट्राइक, ये वाला चैनल है। गाइज़, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो आप यहाँ पे जाके वीडियो देखिएगा और वीडियो में जाके कमेंट कीजिएगा प्लीज़ रिमूव स्ट्राइक ऑफ दीप टैग। तो गाइज़, जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करोगे उतनी हो सकता है ये जो चैनल है वो अपनी स्ट्राइक वापस ले ले। तो गाइज़, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और साथ ही मैं जो आपको APN देने वाला हूँ वो जियो का APN होगा आज, ना कि किसी और नेटवर्क पे। तो किसी और नेटवर्क पे गाइज़ हो सकता है वो काम भी करें, तो उससे पहले मैं आपको सेटिंग दिखाना चाहूँगा। तो सेटिंग में गाइज़ चलते हैं, यहाँ पे SIM2 में मेरा नेट है तो यहाँ पे मैं एक्सेस पॉइंट नेम को ओपन करता हूँ और उसमें प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद नेम आएगा, नेम में आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बेस्ट स्पेस APN स्पेस जियो। तो गाइज़, अगर आप इनको इस APN को अदर नेटवर्क पे यूज़ करना चाहते हो तो जहाँ पे मैं जियो लिखूँगा वहाँ पे आप अपना नेटवर्क लिख सकते हो। और नेक्स्ट आएगा APN, तो APN में गाइज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जियो वालों के लिए, खासकर जियो APN। तो जियो वाले तो ये लिख सकते हैं, वोडाफोन वाले WWW और आइडिया वाले इंटरनेट, BSNL वाले BSNL नेट और एयरटेल वाले airtel.jprs.com ये लिख सकते हैं गाइज़ APN में। प्रॉक्सी पोर्ट नो सेट रहेगा। यूजर नेम में गाइज आपको यहाँ पे लिखना है best.jio। अब जहाँ पे मैंने जियो लिखा है यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिएगा, जो उनसे भी कंपनी का सिम आप यूज करते हो, तो इसको सेव करना है। नेक्स्ट आएगा पासवर्ड नो सेट रहेगा। सर्वर में गाइज आपको यहाँ पे लिखना है www.gogle.com, तो ये लिखना है गाइज। इसके बाद MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, MCC, MNC ये सब कुछ नो सेट रहेगा। ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको PAP OCHAPA पे क्लिक करना है। APN टाइप गाइज आपका ये नो सेट रहेगा, अगर आपके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है तो उसको रहने दीजिएगा, अदरवाइज उसको मत छेड़ेगा। APN प्रोटोकॉल में आपको क्लिक करना है IPv4/IPv6 पे, और APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आता है BRR, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अनस्पेसिफाइड पे टिक मिलेगा, उसको अनटिक करना है। जिनके डिवाइस में एक ही सिलेक्ट होता है वो LTE को सिलेक्ट कर लेंगे, और जिनके डिवाइस में एक से ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं तो वो सब के सब सिलेक्ट कर लेंगे। अगर गाइज आपकी डिवाइस में एक दो ज़्यादा एक्स्ट्रा है या एक दो कम है तो निराश करने वाली कोई बात नहीं है, आप सब के सब सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस APN सेटिंग को सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद इस APN सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। इस दौरान आपका इंटरनेट या APN दोनों जा सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो APN है वो चला गया है, बट वापस भी आ गया। तो मैं इस पर अगेन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं इंटरनेट, जब तक मेरा आएगा नहीं तब तक ये APN जो है अटैच नहीं होगा। तो अगेन यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट पे चला गया है, तो मैं अगेन इस पे क्लिक करूँगा तो रुकेगा। गाइज अब आ चुका है, APN भी एक्टिव है और इंटरनेट भी एक्टिव है। तो गाइज इंटरनेट और APN दोनों एक्टिव है, हम चलते हैं बैक। बैक चलने के बाद गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट या फिर रिबूट करना है, उसके बाद ही आपको इंटरनेट यूज करना है। तो मैं भी अपने फ़ोन को कर लेता हूँ यहाँ पे रिस्टार्ट। तो गाइज मैंने कर लिया यहाँ पे अपने फ़ोन को रिबूट। रिबूट करने के बाद स्पीड टेस्ट ओकला में चलते हैं स्पीड देखने।
क्या स्पीड हमें मिलेगी डाउनलोड की और अपलोड की। तो यहाँ पे जो भी स्पीड होगी गाइज आपके सामने एकदम लाइव प्रूफ होगा। और जहाँ तक उम्मीद है अगर डिफ़ॉल्ट पे आपको 1 Mbps मिल गई है तो यहाँ पे कम से कम आपकी 10 या 20 के आसपास Mbps के आसपास स्पीड होगी। तो यहाँ पे जैसे ही सर्वर आ जाता है तो मैं यहाँ पे गो करूँगा और गो करने के बाद डाउनलोड अपलोड दोनों स्पीड शो हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे फाइंडिंग सर्वर होता है तो मैं गाइज यहाँ पे क्लिक करूँगा गो पे। अभी यहाँ पे टाइम लग रहा है तो सर्वर आ चुका है, मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ। तो अब जो भी स्पीड होगी गाइज आपके सामने होगी एकदम लाइव प्रूफ। और यहाँ पे 4 Mbps, 5, 8, 10, 11, 12 इतने तक आपकी स्पीड जो है पहुँच गई है 13, मतलब अभी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है APN। आपको मैंने कई बार बताया भी है कि जैसे जैसे आपका टाइम थोड़ा सा मतलब कंज्यूमर घटेगे तो आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी, अगर कंज्यूमर बढ़ेगे तो आपको स्पीड कम मिलेगी। तो उसी तरीके से गाइज यहाँ पे स्पीड जो है टाइम के हिसाब से काम करती है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।